नमस्कार, मेरा नाम वसीम कुरैशी है और मैं सज्जनगढ़ ब्लॉक में ब्लॉक परियोजना प्रबंधक के पद पर कार्यरत हूँ। अभी फिलहाल हम जो है महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना के अंतर्गत सज्जनगढ़ ब्लॉक में पोल्ट्री इंटरवेंशन पे काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। हमने 117 परिवार को समूह के परिवार को पोल्ट्री एक्टिविटी से जोड़ा है, जिसके लिए आज हम भिलकुआ गांव में एक महिला से बातचीत करेंगे जिन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया है पोल्ट्री में। और ठीक है, हम अब इनसे बात करते हैं। नमस्कार, देखिए मैं सज्जनगढ़ ब्लॉक से ब्लॉक परियोजना प्रबंधक हूँ। आज आपसे हम थोड़ा जानना चाहते हैं कि राजीविका परियोजना से जुड़ने के बाद, समूह से जुड़ने के बाद आपको क्या फ़ायदे हुए हैं, उसके बारे में आपसे जानना चाहते हैं। कृपया आप थोड़ा सा बताइए, आप राजीविका से जुड़ने के बाद आपके जीवन में और आपके परिवार में क्या फ़ायदे हुए? सब इकट्ठे होकर 10 महीनों का गठन किया। उसके बाद सब ने मिलकर एक हफ्ते के अंदर 20-20 रुपया इकट्ठा किया। फिर जितने भी पैसे इकट्ठे के एक दूसरे की ज़रूरत को पूरा करने के लिए, किसी भाई की ज़रूरत हो कि कोई बीमार पड़ जाता तो वैसे पैसे इकट्ठे किए। इसके बाद ऐसे ही समूह के अंदर ही चलता रहा पूरा। इसके बाद वहाँ से समूह के द्वारा हमको लोन मिला, सबसे पहले 15,000 रुपये, इसके बाद फिर 1,00,000। इस 1,00,000 रुपया 10,000 दिए, इससे हमने ये मुर्गी पालन का धंधा शुरू किया। राजीविका के साथ हम MKSP में जुड़े। इसके बाद हमने केवी के बांसवाड़ा में मुर्गी पालन की ट्रेनिंग ली 8 दिन की। इसमें हमको बताया कि मुर्गी किस तरह से पालना है और इससे क्या फ़ायदा है, ये सब हमको बताया। इसके बाद हमने लोन लिया और लोन से मुर्गियाँ बनाए। फिर मैं लोन से मकान भी बनाया थोड़ा मुर्गियाँ पालन रखने के लिए। मुर्गियाँ छोटे छोटे सूचे लाए थे, इसके बाद इनको दाने वगैरह अनाज दाने इसका खाना दिया, अलग से खाना लाए थे और इनको समय समय पर पानी दवाई सब डालते रहे और इनकी सफाई भी बराबर करते रहे। इसके बाद शुरुआत में जो आप दीदी लाए थे मुर्गा, वो कितने का लाए थे आप? 3,500 का। 3,500 का गिरिराज। कौन सी नस्ल का था? गिरिराज नस्ल। तो ये गिरिराज नस्ल का जो मुर्गा आया था, उसमें कितने मुर्गे आए थे? आधे तो मुर्गे थे, आधे ऊपर मुर्गे थे और आधे कम मुर्गियाँ थी। मुर्गियाँ थे, अच्छा। तो ये कितने कितने लाए थे आप? 3,500 में 25 मुर्गे। उसके साथ में और क्या था? उसके साथ में वो खाना था, इसका मुर्गी का खाना था। खाना भी था। हाँ। तो 3,500 रुपए में आपका खाना और 50 किलो का एक गट्टा साथ में लाई। तो वो कितने दिन में आपका बढ़ गया था ये मुर्गा? ये 2-2.5 महीने के अंदर बढ़ गए। बढ़ गए। हाँ। तो यही रखा था आपने उसको पालने? हाँ, इसको यहीं पे रखा था, इस मकान के अंदर। अच्छा, मकान के अंदर। तो कितने दिन में ये बढ़ गया था पूरा आपका, जो बेचने लायक कितने महीने में हो जाता है? ये 2.5-3 महीने में हो गए थे लेने के लिए। अच्छा। तो 2.5-3 महीने में कितने किलो का हो जाता है ये गिरिराज? एक किलो 1.5 किलो हो जाता है। 1.5 किलो। हाँ। तो ये कितने एक मुर्गे का कितना दाम आ जाता है इसमें? ये हमने 600-700 में बेचे। 600-700 में बेचे। दीदी, ये 3,500 रुपए के जो आपने मुर्गे लिए थे, तो इससे अभी तक आपने कितना पैसा कमा लिया? 8,000-12,000 वैसे 12,000 का बेच दिया, तो 8,000 आपका जो है प्रॉफिट रहा है इसमें। अच्छा।
तो इसके बाद फिर आपने क्या कैसे पाला? आपके पास तो दूसरी तरह की भी मुर्गी है, तो ये फिर हमने विचार किया कि सर ये कड़कनाथ मिलते हैं वो अच्छे मुर्गी है, मतलब इससे कोई फायदा है, महंगा है, मतलब ये वाले गिरिराज ये थोड़े कम पैसे में और कड़कनाथ ये ज्यादा पैसे में, इसकी अंडे भी काम देते और अंडे भी एक अंडा 20 रुपये में मिलता। अच्छा, ये कड़कनाथ का अंडा कितने में गया था आपका? अच्छा, वो भी बेचते हैं। और ये गिरिराज का अंडा कितने में बेचते हैं? वो तो अंडा ने डायरेक्ट बेच दिए थे। अच्छा, डायरेक्ट बेच दिए, अंडे तक नहीं। तो ये कड़कनाथ मुर्गा आपने कितना रखा है, आपके पास कितना लाए थे? पहले तो 45 लाए थे, 45। पैंतालीस? हाँ। तो ये उसमें से मतलब बिक गए, थोड़ी सी मुर्गियाँ बाकी, 8-10 मुर्गियाँ बाकी है, दूसरे सब बिक गए। इसके बाद फिर हमने फिर 50 लाए, तो वो भी इसको रखने के लिए मतलब मकान है, इसमें दो पार्टीशन है, एक तरफ छोटे वाले और एक तरफ बड़े वाले। तो आपका ये कड़कनाथ मुर्गा कितने में बिक जाता है? ये 800 रुपया। 800। और मुर्गी 700। दीदी, आप जो ये मुर्गी पालन का काम कर रहे हैं, ये आप घर में अकेले ही करते हैं या आपके पति भी आपको सहयोग करते हैं? नहीं, हम दोनों मिलके काम। अच्छा, दोनों मिलके काम करते हैं। आप क्या सहयोग करते हैं इसमें मुर्गी पालन में? जैसे आपको लगता है अच्छा काम हो रहा है? आपके बहुत बढ़िया काम है और ये योजना जो समूह द्वारा चालू की गई है, इससे क्या है कि हम गांव में रहने वाले लोगों को क्या एक अच्छा पैसा भी मिलता है और साथ में क्या होता है कि मतलब हमारी जो आमदनी बढ़ती है, हमारा परिवार अच्छा हो रहा है। और हम लोग जो जैसे कि मेरे मिसेस ने बताया कि हम इन्होंने ट्रेनिंग करी वहाँ जाके ट्रेनिंग की बांसवाड़ा के अंदर और कुछ प्रशिक्षण लिया मुर्गों का और उसके बाद में गिरिनाथ मुर्गे दिलाए हमको। इसके साथ में फिर हमने सोचा कि इसकी इनकम अच्छी है तो हम क्या 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 अपने जो है राजीव गौर से मिले और उन्होंने बताया कि हम हमको कड़कनाथ मुर्गे ला के दो और वो महंगे भी हैं और अच्छे पैसा भी मिलेगा, ऐसा सोच कर हमने फिर हमारे पास मकान था ये। अंडे जो है ये 20 रुपए के अंदर जो है ये अंडा जो है ये 20 रुपए के अंदर बिकता है और इसका भी अच्छा प्रॉफिट है। इसके अंदर बताया जाता है प्रशिक्षण में और किताबों के अंदर भी लिखा है कि इसमें बहुत विटामिन है, इसे लोग इसको खरीदते हैं। अच्छा, आपका ये जो मार्केट है, ये मुर्गे आपके घर आके ले जाते हैं लोग या फिर आपको बेचने के लिए बाहर जाना पड़ता है? ऐसा कहते हैं कि इसके अंदर बहुत सारा विटामिन, इसमें जो विटामिन की मात्रा है, तो ये लोग हमको मार्केटिंग के अंदर बाजार के अंदर बेचने जाने नहीं पड़ता, वो क्या लोग ऑटोमेटिक आते हैं, आ जाते हैं और खरीद के ले जाते हैं। अच्छा, आपके तो आसपास ये हाईवे भी है सब? हमारे यहाँ होटल भी चलती है, हाईवे भी है, इससे क्या है कि इसका प्रसार अच्छा है, इस वजह से आके मतलब खरीद लेते हैं लोग और एक दिन के अंदर एक दो मुर्गा बिक जाता, कभी गैप भी होता, फिर भी मतलब कुल मिला के मेरे समझ के अंदर ये आया कि मुर्गा पालना बहुत अच्छा है और ये जो अपने परिवार की आमदनी के लिए बहुत अच्छी योजना है ये। और मैं सोच रहे हैं हम लोग कि इसको बड़ी आगे अगर राजीविका से और MKSP परियोजना से अगर मदद मिलेगी तो आपका क्या आगे का भविष्य का प्लान क्या है? हमारा ये अगर ये राजीविका जो है वो अगर हमको हेल्प करते हैं, थोड़ी बहुत मदद करते हैं, तो हम क्या कि यहाँ तो बहुत बढ़िया हमारे पास जमीन, पोल्ट्री फार्म खोल दें। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके, आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं, हम चाहेंगे कि और भी हमारे जो हितग्राही हैं वो इस काम को मददाएँ करें। आप कुछ संदेश देना चाहेंगे दूसरी महिलाओं के लिए, क्या करना चाहिए? हाँ, दूसरी बहनों को भी, दीदियों को भी बता सकते हैं कि इस मुर्गी पालन से कितना फायदा, बहुत फायदा है, वो भी हमारे जैसे मतलब मुर्गी पालन करके बेच सकते हैं, इसके अंडे वगैरह सब, तो घर में भी काम में, बच्चों को भी पढ़ाने में बहुत मदद मिलती है, समय पे पैसे मिल जाते हैं, एक साथ बिकने वाले से नहीं, मतलब एक साथ जो भी ले जाते हैं पूरे पैसे दे के ले जाते हैं, इसलिए फायदा है इसमें। तो हम दूसरों को भी बता सकते हैं, तुम भी बहनों ऐसे काम करो जो समूह के द्वारा हम लेके। ठीक है, धन्यवाद दीदी।